दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहले T20 मुकाबले में संजू और हार्दिक ने मिलकर दिलाई भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या ने भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में अपने तूफानी बल्ले से ऐसा तूफानी प्रदर्शन कर दिया जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर पहला T20 मुकाबला कब और कहां पर खेला गया और इस मुकाबले में किस टीम को जीत मिली, ये सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या में से कौन महान खिलाड़ी है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज खेले गए महामुकाबले में संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी है। तो आइए जानते हैं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 सीरीज के बारे में। आपको बता दें, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अभी तक 25 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 17 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं 7 मुकाबलों में हार का सामना किया है। इसके अलावा एक मुकाबला रद्द भी साबित हुआ और ऐसे में दोनों टीमों के बीच छक्कों की बारिश भी देखने को मिल सकती है, जो कि इस मुकाबले में और भी ज्यादा रोमांचक बनने वाली है। आपको बता दें, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला T20 मुकाबला 3 अगस्त को तोराबा के स्टेडियम पर खेला जाने वाला है, जो कि ब्रायन लारा स्टेडियम के नाम से मशहूर है। इस मैदान पर अभी तक 4 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 1 और गेंदबाजी करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का फैसला करेगा, तो वही मुकाबले वाले दिन बारिश की कोई भी संभावना नहीं है और ऐसे में दर्शकों को मुकाबला पूरा देखने को मिल सकता है। इस मैदान पर गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद रहने वाली है, क्योंकि यहां पर धीमी सतह है और ऐसे में फिरकी गेंदबाज इसका फायदा उठा सकते हैं और बल्लेबाजों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत करने का काम काइल मेयर्स और ब्रैंडन किंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर दोनों तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं। इसके अलावा मध्यक्रम में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ब्रुक्स खेलते दिखाई देंगे, जो कि टीम की स्थिति को संभालते हैं, और साथ में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान साई होप खेलते हुए दिखाई देंगे, जो अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ कप्तानी करना जानते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन खेलेंगे, जो कि विकेट कीपर की भूमिका निभाएंगे और अपनी टीम को मजबूती प्रदान करेंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में रोमन पॉवल, जैसल होल्डर, हुसैन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर तीनों खिलाड़ी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं और ऐसे में तीनों के ऊपर बड़ा दबाव रहने वाला है। इसके अलावा बचे हुए 3 गेंदबाज के तौर पर स्मिथ, चेरिस और जोसेफ खेलते हुए दिखाई देंगे, जहां पर तीनों खिलाड़ी अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से हर किसी को हैरान कर सकते हैं और ऐसे में इन तीनों की धारदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं भारतीय टीम की T20 की प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत ईशान किशन और शुभमन गिल करते हुए दिखाई देंगे, जहां कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल टीम की जिम्मेदारी के अनुसार पारी को आगे ले जाने का काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन खेलते हुए दिखाई देंगे, जो कि अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से भारतीय टीम को जीत का दावेदार बनाने का काम करने वाले हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देंगे, जो अपनी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो अपने बेहतरीन बल्लेबाजी की क्षमता से टीम में जगह बना चुके हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में उपकप्तान हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका मिलेगा। यहां पर ये दोनों खिलाड़ी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को परेशानी में डालने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए फिरकी गेंदबाज के रूप में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की सलामी जोड़ी को खेलने का मौका मिलेगा, तो वहीं फिरकी से कोहराम मचाने के लिए ये तैयार होंगे। इसके अलावा बाकी 2 तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक को खेलने का मौका मिलेगा, जो अपनी खौफनाक गेंदबाजी से भारत को जीत दिलाने का काम करेंगे और ऐसे में इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेलने का भारत प्रयास करने जा रहा है। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच इस सीरीज के अंदर 2 टेस्ट के बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी और उसके बाद 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी, जहां पर T20 सीरीज में 3 अगस्त को पहला मुकाबला तोराबा में होगा, तो वहीं दूसरा और तीसरा मैच 6 और 8 अगस्त को गुयाना में होगा। इसके अलावा अंतिम 2 मुकाबले 12 और 13 अगस्त को फ्लोरिडा में होने वाले हैं। तो वहीं टेस्ट सीरीज भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे, वनडे सीरीज भारतीय समय अनुसार 7 बजे और T20 सीरीज भारतीय समय अनुसार
8 बजे से खेली जाएगी। इसका लाइव प्रसारण आप टीवी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियो सिनेमा पर इसका मुफ्त में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, वहां पर आप इसका आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है T20 सीरीज में कौन सी टीम जीत दर्ज करने वाली है? हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।